247 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सांबा से आज एक बड़ा ही दुखद अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक दुखद खबर सामने आई है सांबा से। आपको बता दें कि सांबा में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मृत्यु हो गई है और इस युवक का शव जो है वो रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में पाया मिला। आपको बताते चलें, हमें जो जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर कि सांबा के नानकचक इलाके की बात करें तो नानकचक के पास जो रेलवे ट्रैक है उसी रेलवे ट्रैक पर इस 39 से 40 वर्षीय युवक का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ था। पूरी तरह से ये ट्रेन से ये व्यक्ति जो है वो कट चुका था और शव की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। शव जो है वो पहले तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से उसके बाद पहचान की गई तो युवक की पहचान भी सामने आई है। दलवीर सिंह, उम्र 39 से 40 वर्ष, सनाफ बलवान सिंह, रेजिडेंट ऑफ विलेज चांडली सुंब के रूप में इसकी पहचान हुई है। और जिस तरह से आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से इस युवक की दर्दनाक मृत्यु हुई है और शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। आपको बताते चले कि जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद रेलवे पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया, मौके पर पहुंचकर शव को कस्टडी में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया। और हमें जानकारी मिल रही है कि अब जो है पोस्टमार्टम करने के बाद शव को लास्ट राइट्स के लिए परिवार वालों को सौंप दिया गया। लेकिन रेलवे पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो युवक ट्रेन की चपेट में आया है क्या रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था या कोई और कारण है? आखिर ये व्यक्ति, ये युवक यहाँ तक किस तरह से पहुँचा? क्या कोई और कारण है? जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई रेलवे ट्रेन की चपेट में आ जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो दूसरे कारण सामने आते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अभी इसको लेकर हम कुछ नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति यहाँ तक क्यों पहुँचा, क्या इसके पीछे के कारण है, क्या ये रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था या कोई और कारण है, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुखद खबर सामने आ रही है सांबा से कि 39 से 40 वर्षीय युवक दलवीर सिंह, सना बलवान सिंह, रेजिडेंट ऑफ विलेज चांडली सुंब के रूप में इसकी पहचान हुई है, जो कि ट्रेन की चपेट में आने से इस युवक की दर्दनाक मृत्यु हुई है। बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है और रेलवे पुलिस ने भी पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और शव को जो है पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया लास्ट राइट्स के लिए। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें, ये बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि भगवान इस युवक की आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। तो ये बताया जा रहा है कि एक लोड ट्रेन जो है वो आ रही थी और उसी ट्रेन की चपेट में आने से इस युवक की दर्दनाक मृत्यु हुई है। और जिस तरह से ये व्यक्ति जिस तरह से यहाँ रेलवे ट्रैक पर क्यों पहुँचा, क्या रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था या कोई और कारण है, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और पुलिस जीआरपी की बात करें, रेलवे पुलिस की बात करें तो उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन ये परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। परिवार को काफ़ी एक सेटबैक हुई जिस तरह से ये युवक की दर्दनाक मृत्यु हुई है ट्रेन की चपेट में आने से और जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में शव जो है वो रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। रेलवे पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है ज़िला सांबा में, जिस तरह से इस युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है। तस्वीरें भी काफ़ी विचलित करने वाली है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक दुखद खबर सामने आ रही है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप लोग ओम शांति ज़रूर लिखें। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस युवक की आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। दुखद खबर सांबा से कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके 247 न्यूज़ के लिए।